नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीआईएफएल लेक्चर सिविक्स की हम लोग क्लास देख रहे हैं। इसमें लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी देख भी लिए थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो सरकार की अवधारणा है। आप लोग सिलेबस देखिए, सरकार की अवधारणा में लिखा गया है आधुनिक शासन प्रणालियाँ। तो आधुनिक शासन प्रणालियों में आपको दो देखने हैं, एक है संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली, और जो दूसरा देखना है संसदीय एवं अध्यक्षतामक शासन प्रणाली। तो इसमें हम लोग देखेंगे संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणालियाँ क्या क्या होती हैं। ठीक, चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक शासन प्रणाली का जो संघात्मक सरकार है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं और उसके दोष क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व इकाइयों के मध्य संविधान या कानूनी सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हुए भी केंद्र व इकाइयां क्या करती हैं, देश के संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं और एक दूसरे के अधीन ना होकर के भी केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारें एक दूसरे की समन्वयक बनी रहती हैं और संघात्मक सरकार के सारे उद्देश्य आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि संघात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो संघात्मक सरकार की जो अवधारणा है वो संघ पर आधारित है, संघ शब्द पर आधारित है। तो अंग्रेजी भाषा में जो संघ शब्द है उसके लिए हम लोग जानते हैं फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए तो ये शब्द कहाँ से आया, तो ये शब्द लैटिन भाषा, ये आपको याद रखना है, लैटिन भाषा के फोएडस से आया है। ठीक है, फोएडस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता करना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। तो संघात्मक सरकार क्या होती है भाई, ये दोहरी सरकार होती है। इसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी होती हैं और प्रांतीय सरकारों को अलग अलग अपनी विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका भी होती है। तो ऐसी सरकार में क्या होता है, ऐसी सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है। ठीक है, दोनों सरकारों को संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत क्या करना होता है, देश का शासन चलाना होता है। तो इस प्रकार जो संघात्मक शासन होता है वह होता है जहाँ संविधान के द्वारा क्या किया जाता है, शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र और राज्य में बटी होती हैं और दोनों अपने अपने कार्यों में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन की सफलता के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर क्या करते हैं, वो दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संघात्मक सरकार की परिभाषाएँ। ठीक है, तो आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो संघात्मक सरकार की ये जो परिभाषाएं हैं भाई, किस विद्वान ने संघात्मक सरकार के बारे में क्या कहा, तो इसके पूछे जाने की संभावनाएं जो है मान लेते हैं कि 60% हैं। ठीक है, और एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है कि संघात्मक सरकार की विशेषताएँ क्या हैं, गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इन संबंध में आपको चार ऑप्शन दे करके पूछ सकता है। ठीक है, तो इसकी जो संभावनाएँ हैं वो 40% हैं, तो ये देख करके आपको पढ़ना है। तो अनेक जो विद्वान हैं उनके उन्होंने संघात्मक सरकार को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे कि हम लोग फाइनर देखेंगे। तो फाइनर महोदय के अनुसार क्या होता है, संघात्मक शासन वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का एक भाग संघीय इकाइयों या प्रांतों में निहित होता है और जो दूसरा भाग है वो केंद्रीय संस्था में निहित होता है। तो जो क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं, क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती हैं। ठीक है, ये कहा फाइनर महोदय ने। अगला हम लोग मॉन्टेस्क्यू के महोदय के अनुसार देखेंगे, तो जो संघात्मक सरकार है वो क्या है, एक समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। डाइसी महोदय के अनुसार देखेंगे तो संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, गार्नर महोदय के अनुसार हम लोग देखेंगे तो जो संघात्मक सरकार है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें क्या करती हैं, एक सामान्य प्रभु सत्ता के अधीन होती हैं और ये सरकारें अपने अपने निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं और उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो संविधान द्वारा ही क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। आगे देखेंगे केसी व्हीलर महोदय के अनुसार,
तो संघ शासन का अर्थ ऐसी पद्धति से है जिसके सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सीएफ स्ट्रांग महोदय के अनुसार तो संघ राज्य एक ऐसी राजनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों के अधिकारों का राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, अर्थात संक्षेप में ऐसा शासन जिसमें विधायिनी सत्ता केंद्रीय अथवा संघीय शक्ति हो और ऐसी लघुत्तर इकाइयों में विभाजित रहती है जो अपनी शक्ति की पूर्णता के अनुसार राज्य या प्रांत कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग डेनियल जे एलाजारा के अनुसार तो संघीय व्यवस्था अलग अलग राजनीतिक इकाइयों की एक ऐसी बृहत्तर राजनीतिक व्यवस्था में संगठित या एकताबद्ध करती है जिसमें हर राजनीतिक इकाई अपनी आधारभूत राजनीतिक अखंडता से क्या होती है, युक्त होती है। अगला हम लोग देखेंगे कोरी महोदय के अनुसार तो संघवाद सरकार एक ऐसा दोहरापन है जो विविधता के साथ एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्तियों के प्रादेशिक व प्रक्रियात्मक विभाजन पर क्या होता है, आधारित होता है। नाथन महोदय के अनुसार अगर देखें तो संघात्मक राज्य छोटे छोटे राज्यों का एक ऐसा योग होता है जिसमें प्रत्येक अपनी पृथक सत्ता का रखते हुए परिभाषित समान उद्देश्य के लिए संघ के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं जो कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से विघटनशील नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे जेलिनेक के अनुसार तो एक संघात्मक कई राज्यों के मेल से क्या हुआ, बना हुआ एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है जो अपनी शक्ति संघ को बनाने वाले राज्यों से प्राप्त करता है, क्योंकि संघ के प्रति वे राज्य इस तरह बधे होते हैं कि एक सर्वोच्च सत्ता संपन्न संस्था का निर्माण हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे हैमिल्टन के अनुसार तो संघात्मक शासन जो है वो राज्य का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का क्या करता है, निर्माण करता है। इतने सारी परिभाषाएं होंगी। अब संघात्मक शासन प्रणाली की हम लोग विशेषताएं देखते हैं या लक्षण देखते हैं क्या क्या हैं। तो पहला होता है लिखित संविधान। तो जो संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन में लिखित संविधान अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि जो संघ होता है संघ समझौते का परिणाम है, अतः समझौते का लिखित होना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों की सरकार का संगठन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि का विवरण इसमें रहता है। अगला हम लोग देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। तो संघात्मक शासन की एक विशेषता यह भी है कि इस शासन प्रणाली में संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। केंद्र और राज्यों का अस्तित्व, उनके अधिकारों का वर्णन, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा, सभी कुछ क्या होता है, संविधान में होता है। और इसलिए भविष्य में यदि कभी संघ और राज्यों के बीच में गलतफहमी हो जाती है या हो जाए, तो किसी प्रश्न पर अगर तनाव हो जाए तो दोनों ही संविधान में लिखित व्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए संविधान जो है सर्वोच्च होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन, तो जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें केंद्रीय और प्रांतीय जो सरकारें हैं उसके मध्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र को व कुछ शक्तियाँ यहाँ पर राज्य को सौंप दी जाती हैं और वो अपने अपने क्षेत्रों में इन शक्तियों का उपयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। अगला है दोहरा शासन। तो संघात्मक जो शासन है उसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें दोहरा शासन व्यवस्था होती है। एक केंद्रीय सरकार होती है जिसको हम लोग संघीय सरकार कहते हैं और दूसरी इकाइयों की सरकार होती है जो कि राज्य की सरकार के नाम से जानी जाती है। तो इन दोनों सरकारों के क्या होते हैं, अपने अलग अलग कानून होते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें कि दोहरी नागरिकता, दोहरी चुनाव व्यवस्था, दोहरी प्रकार की सेवाएँ होती हैं, कुछ संघों में दोहरी नागरिकता व दोहरी राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि भारत है। ठीक है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, यूएसए में है। लेकिन पर सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, न्यायपालिका की प्रधानता है, लिखित संविधान है, ये सभी संघ की यहाँ पर जरूरी विशेषताएं यहाँ पर मानी जाती है। तो भाई इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी क्या है, आवश्यक है। तो एक स्वतंत्र न्यायालय जो कि संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच जो झगड़े पैदा होते हैं या फिर दो राज्यों के बीच में जो झगड़े पैदा होते हैं उसका क्या करता है, ये निर्णय करता है। संघात्मक शासन प्रणाली के अब हम लोग देखते हैं गुण।
तो संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसका एक गुण यह है कि इसमें स्थानीय समस्याओं का जो हल होता है वो सरलता से किया जा सकता है। इस शासन प्रणाली जो है वो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण जो है ये अधिक लोकतांत्रिक होती है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। संघात्मक शासन में क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता व स्थानीय स्वशासन इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता के भी और स्थानीय स्वशासन के भी। संघात्मक शासन प्रणाली का एक गुण ये भी है कि इसमें केंद्रीय शासन का कार्यभार हल्का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कार्य राज्यों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। बड़ी राज्यों के लिए तो यह बहुत ही उपयुक्त प्रणाली होती है, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें कुछ शक्तियाँ केंद्र को हैं, बाकी छोटे छोटे क्षेत्रों में तमाम राज्य बना दिए गए हैं और उनको शक्तियाँ दे दी गई हैं, तो वो अपना प्रशासन व्यवस्था देखते रहते हैं। संघात्मक शासन में केंद्र सरकार के स्वेच्छाचारी होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहती है। तो यही सारी चीज़ें आपको देखना है। एग्जाम में चार ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि कौन संघात्मक सरकार का गुण है या नहीं है। तो यह राज्यों के लिए क्या होता है भाई, लाभदायी होता है। अगला हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के दोष क्या क्या हैं। तो ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है भाई, खर्चीला होता है, ठीक है। और जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये दोहरा खर्च होता है भाई। एक तो केंद्र हो गया, केंद्र में पीएम बनेंगे, ये सारी चीज़ें, बाकी पूरी प्रशासनिक सिस्टम बनेगी। फिर उसके बाद जो जैसे राज्य हो गया तो राज्य में भी आपको सीएम बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, तो यहाँ पर भी सारी सिस्टम रखनी पड़ती है, यहाँ पर भी सारी सिस्टम रखनी पड़ती है, तो दोहरा खर्च आता है। इस शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता एक गंभीर समस्या जो है वो बनी रहती है, क्योंकि शक्तियाँ डिवाइड कर दी जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि शक्तियाँ जो है वो टूट करके भागने की कोशिश जरूर करती हैं। संघात्मक व्यवस्था के एक दोष यह भी है कि इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में क्या होता है, विलम्ब हो जाता है, ठीक है। तो जब सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा, सत्ता डिवाइड हो जाएगी, तो उसमें निर्णय लेने में कई लोग शामिल होंगे, तो इससे प्रॉब्लम होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संप्रभुता विभाजित नहीं होती है, परंतु अगर संघात्मक प्रभाव से देखा जाए तो यह केंद्र और राज्य सरकारों में क्या होती है भाई, बट जाती है, ठीक है। तो संघात्मक शासन में जो उत्तरदायित्व होता है वो सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। किसी नीति की विफलता का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर डालते रहते हैं, ठीक है, कि इनका है, इनकी कमी है, उनकी कमी है। तो संघात्मक शासन में जो संगठन होता है वो बहुत जटिल होता है और प्रशासन चलाना यहाँ पर बहुत कठिन होता है। एकात्मक शासन की तुलना में अगर देखा जाए तो संघात्मक शासन कमजोर माना जाता है, ठीक है। डाइफी महोदय ने क्या कहा है, डाइफी महोदय ने कहा है कि एकात्मक सरकार की तुलना में संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एकात्मक सरकार, ठीक है। तो एकात्मक सरकार का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, गुण दोष क्या हैं, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो एकात्मक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो एकात्मक सरकार के अंतर्गत जो शासन की सारी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्रीय सरकार के पास ही क्या हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं। तो सारे देश में एक कार्यपालिका होता है, एक विधायिका होता है और एक न्यायपालिका होती है, ठीक है। यद्यपि उनको केंद्रीय सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती है, ठीक है। यदि कोई शक्ति यहाँ पर दे भी दी जाती है तो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं और उन्हें उन शक्तियों का स्वतंत्रता प्रयोग करने की छूट नहीं होती है, स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करने की छूट नहीं होती है। तो इस प्रकार इन सरकारों की कोई पृथक या स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, ठीक है। इसमें अगर राज्य की बात किया जाए, ठीक है, तो ये सब किसके बारे में किया गया है, कोई स्थानीय इकाई या राज्य के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो इन सरकारों की जो शक्तियाँ होती हैं उनका स्रोत संविधान की जगह क्या होती है, केंद्रीय सरकार की होती है। तो प्रांतीय हो गई या प्रादेशिक सरकारें हो गई तो ये सारी केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि बन कर के ही कार्य करती हैं और देश के शासन संचालन में अपना सहयोग देती हैं। तो अगर एकात्मक सरकार को देखा जाए तो एकात्मक सरकार अपने को प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों पर कम से निर्भर बनने की कोशिश करती है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखा जाए कि ताकि क्या हो, तो ताकि उसकी जो अखंडता है उसको कोई खतरा उत्पन्न ना हो। ठीक है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, खतरा उत्पन्न ना हो। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ब्रिटेन में इस प्रकार का ही सरकार देखने को मिलता है, फ्रांस व चीन में ही ऐसी सरकारें हैं। तो इस प्रकार ये भी कहा जा सकता है कि जिस देश में शासन की सारी शक्तियाँ एक ही हाथ में हो वो क्या होती हैं, एकात्मक सरकारें होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एकात्मक सरकार की कुछ परिभाषाएं। तो बिलोबी महोदय आएंगे और वो कहेंगे कि जो एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं, और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्रता रूप से प्रादेशिक सरकारों में यहाँ पर वो कर सकती है। ठीक है, तो सारी शक्तियां यहाँ पर केंद्र को सौंप दी गई। अब वो चाहे कि जो प्रांतीय सरकार हैं वो किस प्रकार से दे। अगर हम यहाँ पर देखें डायफी के अनुसार, तो एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है, एकात्मक शासन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सी एफ स्ट्रांग महोदय के अनुसार देखा जाए तो जो एकात्मक राज्य है वह राज्य है जो केंद्रीय शासन में संगठित हो, अर्थात केंद्रीय सरकार के प्रबंध में बनाए गए विभिन्न जिलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार की इच्छानुसार संगठित व क्या करे, संचालित करे। और केंद्रीय शक्ति संपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रदेशों को विशेषाधिकार देने वाले किसी भी कानून से सीमित ना होकर सर्वोच्च रहे। तो थोड़ा लंबा चौड़ा जो है स्ट्रांग महोदय, संगात्मक में भी बोल दिए थे, इसमें भी बोल दिए। फाइनर महोदय के अनुसार देखा जाए तो एकात्मक शासन वह होता है जहाँ पर एक केंद्रीय सरकार में संपूर्ण शासन शक्ति क्या हो, निहित हो, और उसकी इच्छा और अधिकार सारे क्षेत्र पर कानूनी रूप से क्या हो, सर्वशक्तिमान होते हैं। गार्नर महोदय के अनुसार देखा जाए तो एकात्मक सरकार वह होती है जहां संविधान द्वारा सरकार की समस्त शक्तियां अकेले केंद्रीय अंग या अंगों को दे दी जाएं, और स्थानीय जो सरकारें हैं अपनी शक्तियां, स्वतंत्रता, अस्तित्व केंद्रीय अंग या अंगों से ही प्राप्त करें। तो ये हो जाएंगी कुछ परिभाषाएं। अब हम लोग देखते हैं एकात्मक सरकार के व्यवहारिक रूप। तो एकात्मक जो सरकार है यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी, चीन आदि देशों में आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटेन में जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो भी हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता या शक्तियाँ संसद के सामान्य कानूनों द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। यानी कि वहाँ पर जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार को स्थानीय सरकारों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कराने का आदेश प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटी बरो हो गया, काउंटी काउंसिल हो गया, म्यूनिसिपल ब्यूरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर बरो नहीं, यहाँ पर ब्यूरो होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, ब्यूरो। शहरी व ग्रामीण जिले हो गए, पेरिस हो गई, ये आदि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही यहाँ पर काम करती हैं। तो फ्रांस में भी ब्रिटेन की तरह ही जो है शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो सारे फ्रांस को प्रांतों यानी कि डिपार्टमेंट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, और प्रत्येक प्रांत के अंतर्गत अनेक एरांडाइमेंट तथा कम्यून हैं। और ये जो सरकारें होती हैं केंद्रीय सरकार के अधीन ही हैं, और इनके अधिकारों व शक्तियों को संसद जब चाहे तब वापिस भी ले सकता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे तो चीन, इटली, जापान और जर्मनी आदि देशों में भी जो प्रादेशिक और स्थानीय सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकारों के अधीन हैं, और उनकी स्वायत्तता संसदीय कानूनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो सांविधिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत उन्हें खास कोई अधिकार या शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। उनको अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, तो केंद्र सरकार से डायरेक्ट मिलती हैं। एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हम लोग अगर देखेंगे तो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन भाई नहीं होता है, अपितु क्या होता है कि संविधान द्वारा जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो केंद्रीय सरकार को ही दे दी जाती हैं। तो केंद्र अपनी इच्छा, सुविधा और योजना के अनुसार कुछ शक्तियां प्रांतों को प्रत्यायोजित करता है या कर सकता है। एक बार दी हुई शक्तियां हमेशा के लिए प्रांतों में नहीं रहती हैं, जब केंद्र चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है। तो प्रांतों से प्रत्यायोजित जो शक्तियाँ हैं उसको वापस भी लिया जा सकता है, और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण का जो आधार होता है वो संवैधानिक नहीं होता है। ठीक है, अपितु क्या होता है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाता है। एकहरी नागरिकता होती है, एकात्मक शासन में नागरिकता क्या होती है भाई, एकहरी होती है, दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं होती है। और नागरिकता केंद्र प्रदान करता है,
संविधान यहाँ पर भी एक ही होता है। स्थानीय सरकार का जो संचालन होता है वो केंद्र की इच्छा अनुसार किया जाता है। तो एकात्मक शासन में हम लोग जानते हैं सत्ता कहाँ पर होता है, केंद्र में निहित होता है, और प्रशासनिक सुविधा के लिए एकात्मक शासन में इकाइयों की रचना यहाँ पर करता है। तो इन इकाइयों को कोई भी नाम दिया जा सकता है। इकाइयाँ जो है क्या करती हैं कि केंद्र से ही शक्तियाँ प्राप्त करती हैं और केंद्र के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी भी रहती हैं। स्थानीय शासन की महत्वहीनता यहाँ पर बन जाती है। तो इस शासन में जो स्थानीय शासन है वो उसकी संस्थाएँ तो होती हैं परंतु उनका कोई खास महत्व तो नहीं रह जाता है। उनको जो शक्तियाँ होती हैं वो संविधान द्वारा नहीं मिलती हैं, केंद्र सरकार द्वारा मिलती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है। संविधान का स्वरूप अगर देखें तो कई देशों में संविधान लिखित होता है जैसे कि फ्रांस में, और कई देशों में संविधान अलिखित भी होता है जैसे कि ब्रिटेन में। तो इसी प्रकार ब्रिटेन की एकात्मक शासन प्रणाली में स्वतंत्र न्यायालय नहीं है, ठीक है, परंतु अन्य अगर एकात्मक शासन प्रणालियों में देखा जाए तो स्वतंत्र न्यायालय होते हैं, ठीक है। एकात्मक शासन के गुण और महत्व देखते हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली कई देशों में उपयोग में लाई जाती है और इनमें खास करके ब्रिटेन और चीन क्या है इसमें प्रमुख हैं। तो प्रमुख गुण इनके इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। शीघ्रता, तो इसमें जो शासकीय कार्य होते हैं उसमें विलंब नहीं होता है, ठीक है। शासन के निर्णयों का केंद्र एक होने से उन्हें तुरंत लागू किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि शासन की जो जो सत्ता की पूरी जो नीत होती है किसमें, केंद्र में ही नीत होती है। तो उनमें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है और कोई बाधा भी नहीं डालता है। तो जल्दी से अपना निर्णय लेते हैं और उसे लागू भी कर देते हैं। केंद्र राज्य में इसमें संघर्ष होने की भी कोई संभावना नहीं है भाई, क्योंकि इसमें राज्यों को कोई स्वायत्त पावर दिया ही नहीं जाता है। राष्ट्रीय एकता भी इसमें बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि जो पूरा राष्ट्र है वो राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, एक इकाई होती है। नीति की एक रूपता भी इसमें बनी रहती है। तो एकात्मक शासन में नीतियों में भी एक समता होती है। जनता तथा संबंधित जनों में शासन के प्रति विश्वास की भावना यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि भाई एक ही केंद्र है, वो जो कानून व्यवस्था लाएगा, जो नीतियाँ बनाएगा पूरे देश में लागू होंगी। जब अलग अलग राज्य होते हैं तो अलग अलग राज्य अपना अपना कानून बनाते हैं, तो वहाँ नीतियों में एकरूपता नहीं रह जाती है। मितव्ययिता भी होती है, यानी इस शासन प्रणाली में एक सरकार होने से शासन के व्यय में मितव्ययिता भी आती है, ठीक है, यानी कि शासन कुछ कम भी होता है, कम खर्च होता है। कम खर्चीली प्रणाली, तो यहाँ पर ये जो प्रणाली है वो बहुत कम खर्चीली है, क्योंकि इसमें संघात्मक शासन के समान दोहरा खर्चा नहीं होता है, यानी कि प्रशासनिक खर्चा इसमें कम होता है और पदाधिकारियों की संख्या भी यहाँ पर कम होती है। छोटे देशों के लिए ये उपयुक्त है, ठीक है। तो ये प्रणाली छोटे देशों के लिए उपयुक्त है, विशेषकर उन देशों के लिए जहाँ भाषा, धर्म, उपासना, संस्कृति और जाति की समस्याएं ना हो, ठीक है। तो इसका कारण यह भी है कि ऐसे देशों में एकता और जो पारस्परिक समझ है और सहयोग है वो बहुत अधिक रहता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे संघात्मक व्यवस्था बड़े देशों के लिए है और एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों के लिए है, तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एकात्मक शासन प्रणाली के अगर दोष को देखा जाए तो कौन कौन से दोष हैं। स्थानीय समस्याओं के हल के लिए यह प्रणाली बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बड़े बड़े राज्यों में जो स्थानीय शासन की स्वायत्तता होती है वो भी आवश्यक होती है। इसमें दूरस्थ केंद्र से निर्णय आसानी से लागू नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। एक केंद्र में कोई सरकार बैठी है, पूरा राज्य इतना बड़ा है, तो यहाँ पर स्थानीय समस्याएं क्या हैं वो सरकार तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसमें समस्याएँ आती हैं। निरंकुशता की संभावना भी इसमें बनी रहती है। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का जो केंद्रीकरण होता है वो एक ही जगह होता है, इससे निरंकुशता की संभावना भी लगातार बनी रहती है। केंद्र सरकार का अत्यधिक कार्यभार यहाँ पर हो जाता है, तो एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र सरकार का कार्यभार भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण कार्यभार को यहाँ पर नहीं संभाल पाती हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप भी नहीं है, तो ये जो शासन प्रणाली है ये लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होती। यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चार ऑप्शन दे के पूछेगा तो आपको वहाँ पे क्लियर करना है, क्योंकि इसमें जो सत्ता होता है सत्ता का केंद्रीयकरण होता है।
बड़े देशों के लिए ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो एकात्मक जो शासन व्यवस्था है भाई, वो बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त रहती है। बड़े देशों की जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, उसका समाधान सदैव केंद्रीय स्तर पर नहीं हो पाता है। तो उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रकृति है, वो सदैव संपूर्ण राज्य तक फैली बिल्कुल भी नहीं हुई होती हैं। इसमें अनेक जातियाँ होती हैं, धर्म भाषा संस्कृति के लोग होते हैं, अनेक विविधताओं से लोग युक्त रहते हैं। तो उनके समाधान भी उसी स्तर के अपेक्षित है। तो विशाल क्षेत्रफल वाले राज्यों के शासन का संचालन एक ही केंद्र से यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। स्थानीय हितों की रक्षा स्थानीय स्तर पर ही की जानी चाहिए और वहीं पर ही की जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा शासन प्रणालियाँ, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। तब तक आप सभी लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको पढ़िए, एक दो तीन बार पढ़िए, कुछ कुछ मेन पॉइंटें जो है उसको आप नोट्स करिए। एक की नोट्स आप लोग ज़रूर बनाया करिए, ठीक है। एक होता है नोट्स, एक होता है की नोट। तो ये शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए आपको आसानी होगी, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट नोट किए रहते हैं जिनको देखते ही आपको सारा मैटर याद आ जाता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।